हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस दिस इज बाई बोर रिटे तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे धर्मशाला एंड मेकोल्डगंज इसके दो एपिसोड्स बनेंगे एक में स्पेशली दलाई लामा टेम्पल के लिए बनाऊंगा और जो मेकोल्डगंज में जो मैं एक्सप्लोर करूंगा उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा एंड अगेन वेलकम बैक तो ये हम मनाली से जा रहे हैं मनाली को बाय करके आई डोंट नो बट मनाली से बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो चुका है आई डोंट नो व्हाई बट है तो हमें मनाली से धर्मशाला या फिर मेकोल्डगढ़ जाने के लिए छः से सात घंटा लगता है कुछ टू uh, सिक्सटीन किलोमीटर से uh, मनाली से तो जैसे मैंने कहा कि हम मॉर्निंग में जल्दी निकल चुके थे देन ऑल्सो हमको बीच में एक जैम मिला जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था शायद से वो पहाड़ को कट कर रहे थे एंड वहाँ पे हमको कम से कम एक डेढ़ घंटा लगा और उसी चक्कर में हमने मस्त बढ़िया चाय पी मॉर्निंग में और कुछ पिक्चर्स क्लिक किए है तो हमको एक फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरना पड़ता है वहां पे काफी सारे रास्ते हैं। बट दिस वॉज द शॉर्टेस्ट रूट जो हमने लिया है अभी काफी फास्ट रूट था ये। हम आई थिंक छः घंटे में ही पहुंच गए जैसे मैंने कहा कि बीच में एक डेढ़ घंटा हमारा जाम में जा चुका था बट अगर उसको कट करें तो हम छः घंटे में ही पहुंच गए थे द तो वेरी स्मूथ रोड और वहाँ से जैसे मैंने कहा कि काफ़ी रूट जाते हैं शॉर्टकट्स बहुत है धर्मशाला जाने के लिए जब आप मनाली चंडीगढ़ हो चंडीगढ़ होके मनाली आते हो तो वहाँ का अलग रूट है जब आप मनाली से होके आ, धर्मशाला जाते हो तो वो रूट अलग है सो मेक श्योर कि आप एक बार गूगल गूगल पे डाल के रखें अगर आपको गूगल पे नहीं समझ रहा होगा तो आप प्लीज़ यहाँ वहाँ पे पूछ लो और फिर जाओ क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता बताते हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी सहायता लें हेल्प लें ताकि आपका रास्ता और ज़्यादा स्मूथ हो जाए और वो बताते हैं कि यहाँ से रास्ता ख़राब है वहाँ से रास्ता अच्छा है सो so, उससे ज़्यादा हेल्प हो जाता है हमें एंड आप रास्ते देख ही रहे हो मज़ा आता है इस रास्तों पे चलाने में अलग ही एडवेंचर है अलग ही एडवेंचर है मतलब मज़ा आ जाता है इस रास्तों पर चलने से देखो रास्तों को मज़ा करो और धर्मशाला में सिर्फ स्टेडियम है अगर आपको दलाई लामा टेम्पल देखना है चर्च देखना है या फिर वहाँ पे बखसुनाथ टेम्पल है जैसे मैंने कहा कि मैं दो ब्लॉग्स बनाऊँगा वो देखना है आपको तो मेकलाउडगंज ही जाना पड़ेगा जिसे अपर धर्मशाला भी कहते हैं तो वहाँ से कुछ फोर टू फाइव किलोमीटर्स है आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई करके जानी पड़ती है आपको दिख ही जाएगा ब्लॉग में चलो रास्तों का मज़ा लेते हैं पहुंच गए मैकलोडगंज के मॉल रोड पे यहीं से नीचे हो के दलालामा टेम्पल है देखो आपको जैसे जाओगे तो फील आ ही जाएगा कि आप दलाल लामा टेम्पल जा रहे हो ये मोंग्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त रहते लोग बहुत ही मज़ा आ जाता है और जब आप इस रास्ते से जाओगे थोड़ा आगे जाके तो आपको एक अलग ही फ्रेगरेंस आएगा अलग ही फ्रेगरेंस आएगा ये टूवर्ड्स दलालामा टेम्पल है यहीं से आपको अंदर जाना पड़ता है तो आप कभी जाओ तो यू कैन टेक व्यू ऑफ दिस कि आपको इसी रास्ते जाना है यहाँ पे काफ़ी काफ़ी अच्छे एंटिक पीसेस है एंड दिस इज़ द वे टू टेम्पल हम जब जा रहे थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं थे और एक रास्ता नीचे जाता है और हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि हमको टेम्पल में जाना है और हम कुछ शाम के फोर फोर थर्टी पहुँच चुके थे और दलाई लामा टेम्पल आई थिंक एट ओ बंद हो जाता है Uh, वैसे दलालामा टेम्पल का जो मेन एरिया है जहाँ पर दलालामा टेम्पल की मूर्ति है मोनिस्ट्री है तो वो जल्दी बंद हो जाता है बट uh, टेम्पल एट ओ क्लॉक तक खुला रहता है एट ओ क्लाक और नाइन ओ क्लाक तक खुला रहता है तो यू कैन विजिट एनी टाइम अगर आप जा रहे होगे तो यहाँ से uh, रोपे रूट है एंड दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू दलालामा टेम्पल जबरदस्त है अंदर इतना सुंदर इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है यू विल लव इट यू विल लव इट एक बार आप देख लो मंत्रज है इसको आपको घुमाना पड़ता है 360 डिग्री घूमना चाहिए और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल्स जल रहे थे काफ़ी अच्छा था और ये मैंने स्पेशली कैप्चर किया कि ये सब वेजिटेबल्स अपने यहाँ पे मिलते नहीं हैं रेड कैरेट हो गया या फिर वहाँ का लिक्टस हो गया बहुत ही ज़बरदस्त ये रोप हुए और उसी के साथ अपन ख़त्म करते अपना धर्मशाला का ये एपिसोड अगले एपिसोड में मिलते हैं मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Take care guys, see you in the next vlog.